मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला बजट 3,65,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं पर ही रहने वाला है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर सरकार 80,000 करोड़ खर्च करेगी। डॉक्टर मोहन सरकार के पहले बजट में लाडली बहनों की धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। इसमें कोई नई स्कीम भी नहीं जोड़ी गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच करीब 20 साल से पार्वती काली सिंह चंबल लिंक प्रोजेक्ट को अब रफ्तार मिल गई है। प्रोजेक्ट को लेकर दोनों राज्यों की सरकारों ने संयुक्त प्रयास से शुरू कर दिए हैं। भोपाल की कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम मोहन यादव ने कहा, एमपी राजस्थान भाई भाई जैसे प्रोजेक्ट से दोनों स्टेट के 13-13 जिलों को फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है जो 19 जुलाई तक चलेगा। सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। 3 जुलाई को सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेगी। विपक्ष प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र की मांग करेगा। देश में 5 साइक्लोनिक सिस्टम और ट्रफ लाइन एक्टिव है। इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। रविवार को भोपाल समेत 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई, जबकि सोमवार को इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में भी मौसम बदला रहेगा। मध्य प्रदेश में आज 1 जुलाई से प्रदेश के अंतर्राज्यीय सीमाओं पर परिवहन जांच चौकियां बंद हो गई हैं। नई व्यवस्था के तहत रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट चेकिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। पहले चरण में 45 चेक पॉइंट बनाए जाएंगे। करप्शन रोकने के लिए कर्मचारी बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस रहेंगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कुनू नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीतों को रखा गया है। इस साल बारिश शुरू होने के साथ ही इनमें एक बार फिर संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। इस वजह से 13 शावकों को छोड़ बाकी चीतों को टीका लगाया जा रहा है। पिछले साल संक्रमण से 2 चीतों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को अपना धार्मिक स्थल बताते हुए अब जैन समाज ने दावा किया है कि विश्व जैन संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सलिक चंद जैन ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की गई है। उन्होंने कहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे में खुदाई के दौरान भोजशाला में जो मूर्तियां मिली है वे जैन समाज के देवी देवताओं और उनके तीर्थंकर की है। भाजपा नेताओं के नर्सिंग घोटाले में कमलनाथ सरकार को घेरने पर तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का बयान आया है। साधो ने कहा कि हमने फर्जी कॉलेजों की मान्यता खत्म की और पारदर्शी सिस्टम बनाया। कांग्रेस सरकार में विजय लक्ष्मी साधो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थी। उनके कार्यकाल में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पर भाजपा ने सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से रविवार को डीजल का टैंकर पलटने की घटना सामने आई है। टैंकर पलटने से सड़क पर दूर दूर तक डीजल फैल गया। कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। टैंकर पलटने की सूचना ग्रामीणों को मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण बाल्टी और डिब्बे लेकर डीजल लेने के लिए पहुंचे। ग्रामीणों की बढ़ती भीड़ को बढ़ गई तो की पुलिस को वहां बुलाकर उन्हें हटाना पड़ा। टीम इंडिया ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीत लिया। इस मौके पर इंदौर के राजवाड़ा में भी जमकर जश्न मनाया गया। इस जश्न में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल होने पहुंचे। उन्होंने हाथ में तिरंगा लेकर क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह बढ़ाया।